तो यूजर फॉर्म में अभी जो आप देख रहे हैं कि आईडी है, डेट है, टाइम है, नेम है, सिटी अमाउंट है। अब इसको हम इस यूजर फॉर्म से करवाना चाहते हैं। यूजर फॉर्म आपने यहाँ बनाया ना सर, इसको करना चाहते हैं। अब इसमें देख रहे होंगे आप बोलेंगे कि सर यहाँ आईडी, डेट एंड टाइम तो एक्स्ट्रा है, हम तो सिर्फ नेम, सिटी अमाउंट है। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूं, एक ऑटोमेटिक आईडी जनरेट करें, जिस डेट को मैं सबमिट करूं उसका डेट यहां पर लिखें, और जिस टाइम पे सबमिट करूं उसका टाइम यहां लिखें, और नेम, सिटी, अमाउंट ऑटोमेटिक यहां से ले लें, और हर बार एंट्री करें और इसको ब्लैंक कर। ठीक है, तो सेव एज पेज की हम प्रोग्रामिंग करते हैं, और प्रोग्रामिंग करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें एक आईडी जनरेट करना होगा, और इसका नाम sheet 1 से हम इसका नाम कर देते हैं डेटा, और फिर यहां करते हैं dim आईडी एज ए लॉन्ग, और यहां आईडी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स मैक्स, मैक्स में हमने यहाँ पे ले लिया शीट्स, शीट्स में हमारा हो जाएगा डेटा, और यहाँ हो जाएगा रेंज ए बाई ए, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं रेंज ए 65,000 डॉट एंड, और यहां पे करते हैं एक्सेलस अप डॉट ऑफसेट, यहां होता है 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आईडी प्लस 1, आईडी होगा ईडी हो गया यहाँ पे आईडी लिखा था, लेकिन किस सीट के, तो इसके आगे आपको आपका सीट नेम लगाना पड़ेगा, तो हमने सीट नेम लगा दिया, राइट सर। तो ये क्या करेगा, ये मैंने बताया भी था आपको, याद होगा सीट फॉर्म में कि ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे इसने ID 1 दे दिया। अब अगला डेट चाहिए, तो डेट में सब कुछ सेम होगा, हमने बोला कि रो 0 और कॉलम 1, मतलब कि यहां से नीचे से ऊपर जाएगा, ए 65,000 से ऊपर जाएगा और नीचे ना आगे आगे जाएगा, और यहां पे डेट डाल देगा सेम 0,0 यहां पे हो जाएगा 0 यहां पे 2। ये क्या करेगा, नीचे यहां पे डेट डाल दिया, अब नीचे नीचे से ऊपर जाएगा और 2 कॉलन आगे 0, 1, 2, तो टाइम यहां पे टाइम डालेगा, तो टाइम के लिए यहां VBA में एक टाइम का फॉर्मूला होता है जो कि टाइम देता है। अब उसके बाद यहां अगेन 0 और यहां हम कर देते हैं 3, और इस बार हम करते हैं मी डॉट टेक्स बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। ठीक है सर, ये मी क्या होता है, मी मतलब होता है एक्टिव यूजर फॉर्म। ठीक है, मी यहां नहीं भी लिख सकते, जोड़ी ने मी लिखना, लेकिन मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि वो पूरा सजेशन आ जाता है, या फिर डायरेक्ट आप यूजर फॉर्म 1.textbox1 लिख सकते हैं। ओके, और ये आता है 3, हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे एक काम और करना है कि मी डॉट टेक्स बॉक्स डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, देन अगेन मी डॉट टेक्स बॉक्स डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक मी डॉट टेक्स बॉक्स 3 डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक एंड देन msgbox, यहां पे क्या करेंगे हम डेटा से। ठीक है सर, अब इसको एक बार हम प्ले करते हैं, डेटा एंट्री करके देखते हैं। यहाँ पे हम देते हैं नेम पूजा, सिटी में पटना, और अमाउंट हम 500 करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं एंड ओके। देखिए एंट्री हो गई, परफेक्ट एंट्री है।
उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं मोहन, यहाँ पे देते हैं सिटी में पुणे, अमाउंट में हम 700 लिखते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं सेव एंड ओके। ठीक है सर, अब इसमें चलिए थोड़ा सजेशन करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लियर बटन भी लगाना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए यहां से हम क्लियर बटन उठाते हैं, एक और बटन यहां लगा दिया, यहां पे रहते हैं क्लियर। अब चाहते हैं क्लियर करते ही सब क्लियर हो जाए, तो क्लियर पे भी हम इसी कोड को डालेंगे, कुछ अनलोड करके कुछ देखा था मैंने कहीं अनलोड तो होता है, यूजर फॉर्म को हटाना होता है। ओके यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने सेम कोडिंग यहाँ भी किया है, सेम कोडिंग यहाँ भी किया है। अगर मान लीजिए इस तरह की अगर आपको 8-10 जगह पे यूज करना हुआ तो 8-10 जगह लिखो, जो तो जो तीन ही है हो सकता है 30-40-50 हो, तो यही पे हम क्या यूज करेंगे, फंक्शन। क्या लिखेंगे, फंक्शन। फंक्शन में हम देंगे सीएल ब्रैकेट ओपन क्लोज, अच्छा फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन हो गया राइट। और ये जो कोडिंग है हमने यहाँ पे डाल दी। अब यहाँ पे सीधे को एक वेरिएबल लीजिए और यहाँ पे ब्रैकेट, वेरिएबल लेना बहुत जरूरी है क्योंकि फॉर्मूला बिना वेरिएबल के वर्क करेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ भी हम ए इक्वल टू सी एल ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है सर। डीम क्या देना पड़ेगा, ए का कुछ नहीं ऐसे दे दीजिए, कुछ नहीं ऐसे लॉन्ग या क्या टाइप होता है वो, कुछ छोड़ दीजिए ना उसका लेना है। ओके कोई रिजल्ट थोड़ा आउट कर रहा है, रिजल्ट आउट करेगा तब डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये तो एक्शन कर रहा है। तो अब आपका इनपुट सही होगा। तो अगर इससे होगा क्या कि जब यहाँ पे कुछ जब हम प्ले किया और हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया और हमें क्लियर करना है, ब्लैंक फॉर्म करना, क्लियर पे क्लिक कर, क्लियर पे क्लिक करते क्लियर होता है, लेकिन क्लियर हो क्यों रहा है, एक मिनट। यहाँ लेबल था, लेबल वाला क्लिक हो गया था, उस पर चला गया था, क्लियर हो गया। हो गया सर डाउट इसमें सर? नहीं। अब यहाँ पे एक काम करना है कि मैं चाहता हूं कि अमाउंट में कोई भी पर्सन टेक्स्ट ना लिख सके, ठीक है। तो हमने डबल क्लिक किया, यहाँ पे होता है टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट चेंज पे, चेंज कमांड लगा हुआ है। यहाँ पे कंडीशन देना है कि इफ नॉन न्यूमेरिक का फॉर्मूला था ना, इज न्यूमेरिक मार्क कीजिएगा, इज यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा, नॉट नॉट के बाद में करते हैं, इज न्यूमेरिक ब्रैकेट ओपन, न्यूमेरिक की स्पेलिंग सही है ना सर, एम ई है, न्यूमेरिक और इसमें मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट वैल्यू, लेकिन इसको कन्वर्ट करना होगा क्योंकि वैल के अंदर में कन्वर्ट करना होगा ना, यहां पे इक्वल टू फॉल्स दैट, क्या करना है, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट वैल्यू इक्वल टू 0 करना है, एम एस जी बॉक्स देना है, प्लीज ओनली नंबर, ठीक है। और यहाँ पे एंड इफ तो है, यहाँ पे समझ गया सर। अब इसको हम प्ले करते हैं। अब इसमें मैंने अगर गलती से 550 इस तरह नंबर लिख रहा हूं तो ठीक है, ठीक है, गलती से मैंने डाल दिया H,
एक मिनट शो कर रहा है सर, गलती हुई है, एक मिनट देने दिख दीजिए। टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट चेंज इज न्यूमेरिक वेर मी डॉट इक्वल टू फॉल्स। ये चेंज ही देना पड़ेगा क्या? हाँ, यहाँ चेंज ही होता है, टेक्स्ट बुक 3 डॉट चेंज, इसी तरह की एंट्री हो दैट कम चेंज। प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये रहा इसमें प्रॉब्लम, इक्वल टू फॉल्स। टेक्स्ट बॉक्स 3 यही है ना, ओपन करते हैं। वो सेव करेंगे तभी होगा क्या? नहीं, सेव से मतलब नहीं है, अगर बैल हटा देता हूँ मेरे, ठीक क्या प्रॉब्लम होगी? वैल नहीं देना उसको। है। और मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, देखा टेक्स्ट लिखा नहीं, यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ आ गया, समझे? और नंबर डालता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक चीज और प्रॉब्लम है, यहाँ देखिए, अगर मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया ना, उसमें ही प्रॉब्लम है, देखा? हाँ, ब्लैंक में भी नहीं जाएगा वो, जी हाँ, तो एंटर ब्लैंक, करना ही पड़ेगा। देखो ब्लैंक को भी वो टैक्स ही मान रहा है ना, तो इसको क्या रिजॉल्व है मतलब ये? ये आपको अच्छा, ढूंढना है, ये आज का चैलेंज रहा आपके लिए, ठीक है? क्या वहां से लाया? नहीं से अच्छा है क्या? और इसके पर ऐसा बाद हो सकता है कि कोई ब्लैंक छोड़े जैसे अमाउंट ही डिलीट नहीं। नहीं हाँ, समझ रहा है, जैसे मान लो किसी ने गलत कर दिया, डिलीट कर रहा है, ब्लैंक की बात नहीं ना है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, हाँ मान लीजिए हमने 1500 डाल दिया, डाल दिया, अब जी। मुझे याद है कि नहीं 1500 नहीं डालना था, इसमें 2500 डालना था, हाँ, या मान लीजिए इसमें मुझे कुछ और नंबर डालना था, तो जनरली लोग डिलीट करेंगे ना इसे, जैसे वो डॉन डिलीट करेंगे यार, मैसेज आ जाएगा, ये थोड़ा सा अलग है ना, बात समझेगी नहीं सर? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे वो डिलीट हो रहा है, ब्लैंक हो जा रहा है, ब्लैंक होते वो टेक्स्ट हो जा रहा है, टेक्स्ट होते ही वो न्यूमेरिक चल उसको ही दे रहा है, नंबर दे रहा है। तो उसको वैल्यू इसीलिए हम लगा रहे थे ना पहले कि वो वैल्यू से वैल्यू फिर इतनी। बाकी कोई वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है ना सर, रिजल्ट फर्स्ट पे नहीं जा रहा है, तो इसमें कुछ तो इसे कैसे करेंगे फिर? कीजिए, सोचिए, 24 घंटे का टाइम है, मतलब मैं सोचूंगा, ओके, यही नहीं तो छोटा सा मैंने फॉर्म बनाया, आप एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव फॉर्म बनाइए ना सर, टाइम निकाल के अट्रैक्टिव फॉर्म। अब एक गूगल में जाके यूजर फॉर्म सर्च कीजिए, और अट्रैक्टिव सा एक फॉर्म बनाइए।